बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम। और देखिए, मितेंद्र यादव जो व्यक्ति हैं, बहुत लड़ाकू व्यक्ति, बिहार में यह पहला इसुआपुर प्रखंड है जो तीसरी बार अविश्वास लगा। फर्स्ट बार तो बने और दूसरे बार उन पे लगा और उस पर काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। उसके बाद वो एक मत से हार गए और पुनः फिर 24 महीना के बाद मितेंद्र यादव अविश्वास लगा के और सरोज देवी को हटाने का काम किए और कल मत विभाजन था उसमें 13 मत उनको मिला और विश्वपुर के नए निर्वाचित प्रखंड प्रमुख कल घोषित हुए हैं, शपथ हुआ है। बहुत बहुत उनको बधाई है। और एक चीज़ और उनसे हम कहना चाहेंगे कि ब्लॉक का स्थिति जो है चरमरा गया है, अंचल ब्लॉक सब अस्पताल, 7 महीना और उनके पास समय है। 21 में चुनाव होने वाला है पंचायती राज के, उसमें 7 महीना समय है कि 7 महीना में इतने अच्छे से कार्य करें कि ब्लॉक और अंचल और अस्पताल सुधर जाए और लोगों को अच्छा सुविधा मिल पाए और लोगों का कार्य को सुना जाए। यही मेरा शुभकामना रहेगा उनके साथ। सबसे पहली बात तो अपने चैनल से आपको बधाई देते हैं और मात्र 7 महीना बच गया है, फिर चुनाव होने जा रहा है। आप ऐसा क्या करिएगा कि पूरे ईश्वरपुर प्रखंड में अलग पहचान बन जाए 7 महीने के अंदर? 7 महीने में सबसे पहले तो हम पूरे प्रखंड को और तरैया विधानसभा, पूरे छपरा जिला वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमको पुनः जो हमारे कार्यकाल में जो काम अधूरा रहा है उसको पूर्ण करूँगा और जो भी पूर्व के प्रमुख थे उनके द्वारा जो ब्लॉक का अंचल या हॉस्पिटल का जो परिस्थितियाँ थी उसको हम अच्छी तरह से सुधार करेंगे और सभी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग मतदाता बंधु सभी लोग को कोई काम के लिए कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूंगा। या वृद्धा पेंशन हो या जाति आवासीय के जो व्यवस्था था कि लोग 10-10 दिन, जैसे आधारे कार्ड के था कि सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक लोग लाइन में लगे रहता, जो 5 बजे से लगा वो शाम के 7 बजे आपस चल गया और बीच में जो आया आया अपना समझ लिया ऑफिस में उसका काम हो गया। उस सब व्यवस्था कुछ नहीं होगा, उस थोड़ी जो था वो सब खत्म हो जाएगा। हर आदमी के एक समान मान सम्मान मिलेगा और सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हमारा पहचान तो हमारा समय बताएगा कि हम अपना कैसा पहचान बनाएंगे। पूर्वजों से हम लोग राजनीति करते आए हैं, जनता के बीच में रहे हैं हर समय। हमारे पिताजी भी मुखिया रहे थे, मम्मी भी, हमारे परदादा जी भी थे, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता की सेवा ही सब सर्वोपरि है। जी, विधानसभा चुनाव में मिथिलेश राय के बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ब्लॉक की स्थिति बहुत दयनीय है, इस पर विचार करें जो अभी वर्तमान प्रमुख जी हुए हैं। इस पर विचार किया जाएगा, जो भी व्यवस्था गड़बड़ हुआ है उसको सुधार किया जाएगा। सुधार करने में हम आशा रखते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे साथ मिल करके उसको अच्छे ढंग से काम करेंगे, जनता के हित में कहीं परेशानी नहीं जी। इसके लिए हम मतलब सभी प्रखंड वासियों को आश्वासन देते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उसके लिए 24 घंटा दिन या रात हम तत्पर रहे हैं और रहेंगे भी।